हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ कुछ होम रेमेडीज बताऊंगी जो कि आपको पार्लर जैसा ही ग्लो देंगे स्किन को। एंड गाइस, बहुत सारे लोग 500 हजार का ना फेशियल नहीं करा सकते, तो ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए जो मतलब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं आपके लिए घर के सामानों से ही है ना मतलब फेशियल किट आपको बताने वाली हूँ। एंड मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से अपना स्किन केयर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी। एंड अब देखते अपनी वीडियो की ओर। हमारे जो फर्स्ट रेमेडी है क्लींजिंग, उसको बनाने के लिए छोटा सा कफ लेंगे एंड इसमें 2 चम्मच हमें कच्चा दूध डालना है। एंड इसके बाद हम थोड़ा सा एलोवेरा जेल डालेंगे एंड थोड़ा सा हल्दी डालेंगे। अपने फेस के अकॉर्डिंग हमें इसे बनाना है एंड सभी को मिक्स कर लेंगे। एंड मिक्सचर बनने के बाद इनको हम अच्छे तरीके से फेस में ब्रश या फिंगर के हद से लगा लेंगे। एंड लगाने के बाद इसको हम मसाज करेंगे। मसाज करने के बाद इसको हम ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे। हमारे सेकेंड रेमेडी है स्क्रब। स्क्रब बनाने के लिए कप लेंगे एंड इसके अंदर हम सूजी डालेंगे एंड इसके बाद हम थोड़ा सा चावल का आटा डालेंगे एंड हल्दी डालेंगे और इसके बाद हम लेमन जूस यानी नींबू का रस डालेंगे। एंड इसके बाद हमें लेना है एलोवेरा जेल, थोड़ा सा लेना है। एंड इसके बाद थोड़ा सा हमें दूध डालना है एंड इन सभी को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको हम फेस में लगा के स्क्रबिंग करेंगे। स्क्रबिंग होने के बाद हमें ठंडे पानी से वॉश कर लेना है अपना फेस। हमारे जो थर्ड रेमेडी है मिक्सिंग जेल, इसके लिए हमें टमाटो जूस लेना है एंड इसके बाद हमें एलोवेरा जेल एंड थोड़ा सा दूध लेना है एंड इसके बाद हमें लेमन जूस डालना है एंड इन सभी को हम मिक्स कर लेंगे एंड इसको हम अपने हैंड की हेल्प से पूरे फेस पे मसाज करेंगे। जो फोर्थ रेमेडी है वो फेस पैक। इसको बनाने के लिए हमें चावल का आटा लेना है अपने फेस के अकॉर्डिंग एंड इसके बाद हमें रोज वाटर लेना है एंड रोज वाटर को डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये हमारा पैक बन जाएगा एंड पैक को लगाने के बाद जब पैक हमारा सूख जाए तो इसको भी ठंडे पानी से वॉश कर लेना है।